सफर की शुरुआत हमारी हो चुकी है। बाबा जी रक्षा करें, मेरे पर हाथ रखें, हमेशा कि अच्छे से जाएं, अच्छे से आए और सुखी शांति सफर निकल जाए हमारा। तो बस मम्मी बाहर खड़े हैं, बाहर मेन गेट जो हमारा है गली का, दूसरी गाड़ी निकल गई है तो बस मेन गेट बंद करेंगे और हम भी बाहर निकाल के निकल जाएंगे गाड़ी। पहली बारी होगा कि हम लखनपुर नहीं रुक रहे, ना ही बल्ले खा रहे। तो अभी हम अमृतसर पहुंच चुके हैं, पता नहीं कौन जगह पे खड़े हैं। में से एक निकलने का मुझे जो बड़ी मुश्किल हो रही है, दैट इज बिना खाए पिए निकलना पड़ेगा, जो आज तक मैंने कभी नहीं किया। तो वो पहला स्टॉप हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ शीशे में, अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम मार के हम दिखाएं अगर कि फ्यूलिंग चल रही है हमारी पेट्रोल की। पेट्रोल का रेट जम्मू में है 97.48 रुपीज समथिंग लीटर्स। जो मैं आज से 2 साल पहले डलवाता होता था, शायद से 2 साल भी नहीं, 1.5 साल पहले की बात है, 80 कुछ इतने का ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। पेट्रोल की महंगाई भी बढ़ गई है, तो चलिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या, किसी का जोर नहीं है। तो बस ये हमारा NH, घर से बाहर निकलती है हमारा NH 44 कनेक्ट होता है, जो सीधा जाता है यहाँ से राइट साइड चले जाएंगे, सीधा आपको श्रीनगर ले मिलेगा, लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो आपको पंजाब, दिल्ली, कन्याकुमारी तक यही रास्ता आपको लेके जाएगा आगे तक। यहाँ पे अभी हम विजयपुर क्रॉस कर रहे हैं, हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट नहीं सिटी आती है जब जम्मू हम लीव करते हैं। तो ये राइट साइड में आप देख सकते हैं मेरे एम्स की तैयारी चल रही है, यहाँ पे विजयपुर में एम्स बन रहा है, लेफ्ट साइड में भी एम्स है, तो दिसंबर में इसकी ओपनिंग है। लेट्स होपफुली, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से देखने में लग तो नहीं रहा दिसंबर तक कंप्लीट होगा, क्योंकि 3 महीने ही रह गए दिसंबर को, तो लेट्स सी कि कंप्लीट होता है कि नहीं होता। और यहाँ पे विजयपुर, जब भी आप जो भी बाहर से आ रहे हैं जम्मू वाले, उनको बता दूं कि विजयपुर में एक ढाबा है या कह सकते हैं चाय वाली दुकान है जिसका नाम है रंधावा। उसके पनीर के पकौड़े और क्या कहते हैं साथ में चाय जरूर यहाँ पे पी के जाना। मुझे नहीं पता कि पीछे रह गया कि आ गया, अगर आगे होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे हिसाब से पीछे ना रह गया, बट उसके चाय और पनीर के जो पकोड़े हैं ना, नंदनी से भी 100 गुना बेटर है। तो आप समझ सकते हैं कि पनीर के पकोड़े कितने ही तगड़े होंगे, उनके चाय की बात नहीं करता, पनीर के पकोड़े बहुत बढ़िया होंगे। जम्मू से जाते जाते यहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति आती है, तो आप देख सकते हैं कितनी ही बड़ी है, यहाँ से दिख नहीं रही प्रॉपरली, तो जब दूसरी साइड से, जब कल हम वापसी में आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा जब कल वापस आ रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, आराम आराम से मजे ले रहे हैं सफर का, तेज चल के क्या करना, सफर के नज़ारे लेने चाहिए मेरे हिसाब से। ये टर्न आ गया हमारा, तो बस ये देखिए वाटर क्रॉसिंग भी है हमारे यहाँ पे, जम्मू में वाटर क्रॉसिंग रहती है क्योंकि अभी सुबह सुबह ही बारिश हुई है, आप सबने देखा ही है। ये रहा जो जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा ये, जहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ ये रहा, और ये नहीं, इससे अगले वाला है, ये जहाँ पे गाड़ियां लगी हुई है दूध वगैरह वाली, तो ये रहा रंधावा टी स्टॉल, यहाँ पे भी है और एक वो आगे भी है, यहाँ पे जो गाड़ियां लगी हैं दोनों में ही बहुत अच्छे पकौड़े मिलते हैं। ये रहा रंधावा, यहाँ से हम मोस्टली जो हम यहाँ से खाते हैं जो ये वाला रंधावा है, तो यहाँ पे हम ज्यादातर जो चाय पकौड़े हैं वो यहीं के खाते हैं, तो पनीर के पकौड़े इनके जबरदस्त हैं, पनीर के पकौड़े हो गए, मट्ठी भी मिलती है, मट्ठी भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर आगे शहीद से चीची माता का मंदिर आता है, तो यहाँ से चीची माता का मंदिर आता है थोड़ा सा आगे जाके, तो वहाँ से रास्ता कट जाता है मानसर की तरफ, रास्ता कट जाता है जो वहाँ से आगे फर्दर कश्मीर भी निकलता है और उधमपुर भी निकलता है, मतलब पहले उधमपुर आता है फिर कश्मीर, वहाँ से आप जा सकते हैं। थोड़ा सा आगे आते ही जाम मिल गया है, तो जाम बड़ा ही लंबा, कुछ 15-20 मिनट हो गया मैं खड़े हुए, ऐसा लग रहा है अभी सो जाऊं यहाँ पे ही, पता नहीं लोगों ने 3-3 लेन बना ली है साइड पे, पहले राउंड साइड नहीं जाने दे रहे थे तो जो सही बात थी, तो हम यहाँ से सीधा जो हमारी लेन बनती है उस लेन में आए, तो थोड़ी देर के बाद देखा वहां से लॉन्ग रॉन्ग साइड से अब उन्होंने गाड़ियां छोड़ दी है और यहाँ पे हम सेंटर में आके फंस गए हुए हैं। यहाँ पे पता नहीं जाम किस चीज का लगा हुआ है, सारी गाड़ियां ठीक ठाक भी हैं बट डोंट नो व्हाई, आगे जाके पता चलेगा, जैसे पता चलता तो मैं आप सबको भी अपडेट करता हूँ कि जाम क्यों लगा हुआ है। मुबारक है, फाइनली हमारा जाम खुल गया, जाम मुझे नहीं पता चला किस रीजन की वजह से ऐसे ट्रक्स बीच में बार बार मुड़ रहे थे, क्योंकि जितने भी ट्रक्स ऐसे यहाँ से डाइवर्ट किए हुए हैं टूवर्ड्स उधमपुर, तो इनके चक्करों में सारा जाम लगा हुआ था। और मेन जाम का रीजन ये हमारे राइट साइड में भी है, जो इतना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, आने वाले टाइम में तो चलो ये सुख देगा बट अभी इसने बड़ा दुख दिया, अभी हम 1 घंटे से यहाँ पे फंसे हुए थे। चलो अब थोड़ा टॉप चलेंगे बट ये थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, आराम से हम निकलते हैं फिर जल्दी आपको मिलते हैं आगे सीधा अपने लंच डेस्टिनेशन पे।
सो हेयर वी आर एट लखनपुर। लखनपुर हम पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से मेरे 23-24 साल के इस रोड ट्रिप के करियर में पहली बार ही होगा कि हम लखनपुर नहीं रुक रहे, ना ही बल्ले खा रहे हैं, क्योंकि गले ख़राब हैं हम सब के, गले पकड़े हुए हैं। मेरा तो बहुत ख़राब है, मेरे टॉन्सिल्स वगैरह सारे बाहर आए हुए, पता नहीं क्या उनको क्या हो गया। अंकल हॉर्न प्लीज तो ठीक है, साइड तो कर लो गाड़ी, और वो आगे से ट्रक वाले अंकल आ रहे हैं। तो बस यहाँ से अब सीधा निकलेंगे और पंजाब एंटर करेंगे और लंच करेंगे। सो पंजाब हम एंटर कर चुके थे बड़ी देर पहले से, बट हमने एक ढाबा जो हम जहाँ पे रेगुलरली लंच या ब्रेकफास्ट जब भी यहाँ से निकलते वहाँ पे करते थे वो स्किप किया। उसको क्या स्किप किया कि अभी तक 5:45 हो चुके हैं तो हमें खाने के लिए लंच नसीब नहीं हुआ अभी तक, कोई ढाबा ही नहीं कोई पसंद आ रहा। तो अब सोच रहे हैं कि सीधा यहाँ से हार्डली कोई 10 किलोमीटर रह गया होगा अमृतसर, 10-15 किलोमीटर, तो सोच रहे हैं सीधा अमृतसर लगा के वहाँ पे एक कहते हैं खमीरी कुलचे वाले और साथ ही में उसके चने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ पे अब रुकते हैं। तो कोशिश तो है सीधा अमृतसर जाके लगाएंगे और वहाँ पे ही खाएंगे अब प्यारा कुछ पकवान, प्यारे प्यारे पकवान। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें मिलती हैं, भटूरा मिलता है, चलो वहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ। तो अभी हम अमृतसर पहुँच चुके हैं, पता नहीं कौन जगह पे खड़े हैं, बट इतना पता ये बटाला रोड है, ये मजीठा रोड है, और यहाँ पे हम जा रहे हैं हंसराज छोलिया वाले पे। यहाँ पे हम खाने जा रहे हैं अपना जो आज का लंच है या ब्रंच है या इवनिंग स्नैक्स आप कुछ भी कह सकते हो उसको, तो बस अभी वो खाएंगे जाके, फिर उसके बाद जाएंगे अपने रूम्स की तरफ। तो यहाँ पे आ गई है मेरी प्लेट छोले भटूरे की, साथ ही में आए हैं भीजा कुलचा, फीका कुलचा जो भी है भीजा कुलचा, ये खाते हैं फिर निकलते हैं। सो छोले भटूरे छोले कुलचे खा चुके अभी हम हंसराज जी से, और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। मेरे को एड्रेस कहीं दिख नहीं रहा कहाँ पे है, तो आप डालोगे गूगल मिल जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में चलते और निकलते हैं सारे आगे की तरफ। सो जाम हमारा आज पीछा नहीं छोड़ रहा, यहाँ पे भी जाम मिल गया। और जब भी आप पंजाब में आओ तो प्लीज़ ड्राइव करें ध्यान से, कुछ नहीं पता कौन लेफ्ट से आ रहा है कौन राइट से आ रहा है। सो दोनों आंखें खोल के चारों तरफ देख के गाड़ी चलाएं, कुछ नहीं पता होता कब कौन कहाँ से निकल जाएगा। तो रश तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, जो इनर सिटीज़ है मार्केट है तो रश तो खूब भर के है, और आप थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, ये देखें लेफ्ट साइड में कभी भी कोई कहीं से भी घुस जाता है, तो बेटर है कि आप थोड़ा अपना ध्यान खुद रखें। सो हम पहुंच चुके हैं भीड़ भड़ाके वाले एरिया से निकल के, सच्ची में यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत रिस्क है। तो वो खड़ी है हमारी नीचे की गाड़ी, तो अब ये सामने रूम से देखते हैं कौन सा रूम मिलता है, अकड़ बकड़ बम्बे वो करते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी रूम मिल सकता है, वहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं। तो यहाँ पे हम बहुत बहुत मेरे हिसाब से 2-3 सालों के बाद आए हैं यहाँ, तो है ना घट्टो घट 2-3 सालों तो बाद आप इतने रहन आए हैं। सो एक दिन की बात है, आज की रात है, आज की रात यहाँ पे बस अभी चाय पियेंगे, कपड़े चेंज करेंगे क्योंकि निकर उतार के ट्राउज़र डालना है, निकरों में गुरुद्वारा साहिब में आजकल अलाउड नहीं है, तो मुझे फिर वो क्या कहते हैं लुंगी बनाते हैं, लुंगी तो बन डालनी नहीं, तो अपना ट्राउज़र लेके आया, इसलिए स्पेशली ट्राउज़र लेके आया था, ट्राउज़र डालूंगा और ये हुडी तो ये चलेगी, ट्राउज़र डालेंगे, दर्शन करने जाएंगे बाबा जी के, आपको भी दर्शन कराएंगे अच्छे से दरबार साहिब के, फिर यहाँ पे फिर देखते हैं क्या आगे पीछे क्या क्या करते हैं, जो जो करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। रूम हमें मिल चुका है, वो देख सकते हैं आप सामने, 11 नंबर रूम है, 11 नंबर ही उन्होंने, मेरा बर्थडे भी 11 तारीख को होता है तो रूम भी 11 नंबर मिला है। वो पापा नीचे सामान निकाल रहे हैं, शायद से राजमा जम्मू से लाए थे, राजमा थोड़ी सी गिर गई है बाहर, तो कलेक्शन चल रही है राजमा की इस टाइम पे, आपके कैमरा का एंगल गया, तो वो लिफाफा फट गया थोड़ा सा, तो राजमा वहाँ से बाहर गिर गई है। तो बस अभी रूम में जाते हैं चेंज करते हैं फिर चलते हैं अगली तरफ। हम रेडी हो चुके हैं, तो जैसे आपको कहा था शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, तो ट्राउजर्स में मैं आ गया हूँ वापस, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल नहीं जा रहे, दरबार साहब नहीं जा रहे इस टाइम पे, अभी हम जा रहे हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे शहीदां दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जाते हैं, आपके भी दर्शन, आपसे भी दर्शन करवाते हैं, खुद भी दर्शन करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे पीछे, कुछ खाना पीना है कि नहीं खाना है या किसी और गुरुद्वारे के दर्शन करने हैं, तो जो जो होगा वो आपको प्लान बाय चलता जाएगा, बट अभी तो हम जा रहे हैं शहीदां मत्था टेकने के लिए, तो चलिए बाबा जी के दर्शन करते हैं। जो अभी आपने पॉइंट देखा है वहाँ पे जलेबी बड़ी ही सही मिलती है, ये है केड़ी रोड है बाबा
शहीदा के साथ वाली बिल्कुल रोड आती है, लक्ष्मण सर चौक वाली रोड है ये। यहाँ पे खाने के पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, ये जलेबी वाला था उसके साथ में फास्ट फूड वाला था, ये साथ में मिठाइयों वाले हैं। तो आगे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है, जो जो अच्छी चीज़ें मैं आपको सारी बताता हूँ अभी। तो उसी रास्ते में आगे आते आते एक प्रेम चाट भंडार है, और साथ ही में उसके आगे की एक कार्ट है, इस कार्ट की स्पेशल बात पता है क्या है, लगी तो पंजाब में बट बंदे जम्मू कश्मीर के हैं, जो दीदी और भैया हैं वो दोनों जम्मू कश्मीर से, मतलब हमारे उधमपुर बटोत वाली साइड से। इसकी मलाई जिनकी चांपें बड़ी अच्छी होती हैं, यहाँ पर हम चांप खाते हैं, वेज बुलेट खाते हैं, बहुत मज़ेदार आता है। ये आप साइड में देख सकते हैं देवी पनीर भंडार, इनके पनीर पकौड़े, वेज बुलेट, चीज़ बुलेट, सब कुछ बड़ा ही अच्छा होता है। मार्केट ये फुल ऑफ हैपनिंग मार्केट है, फुल ऑफ फूड वाली मार्केट है, खाने पीने वाली। तो इनके पनीर के पकौड़े बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ये नहीं कि मोटी परत चढ़ा दी बेसन की, बिल्कुल लाइट परत होती है, भाजी ने बटा सहा निकल गया सी बाहर। तो ये आ गई अब मलाई चांप वाली रेड़ी साफ डालो, पंजाब खाने पीने के लिए मशहूर है, तो खाने पीने से भरा भी हुआ है, फ्रूट के हेल्थ भी साथ में बेनिफिट है, कोकोनट वाटर वगैरह। ये आ गया बादाम दूध, उसके साथ आ गया यहाँ पे आ गए बर्फ वाला गोला, तो फिर आगे मोमोज वाले आ गए, पंजाब वाले आ गए। लेफ्ट साइड देखो दो खाने वाली चीज़ें, राइट साइड देखो दो खाने वाली चीज़ें, बंदा अवॉइड कैसे करे। लक्ष्मण चौक की स्टार्टिंग में ही एक दुकान है दो हलवाइयों की, इनका सतपुड़ा बहुत ही अच्छा है, सतपुड़ा साथ में आपको बिल्कुल सेंड में आ गया। लेफ्ट साइड में मिलती है पाव भाजी एंड ऑल, राइट साइड में आप स्टॉल देख सकते हैं, उस साइड में हॉट मोमोज का स्टॉल है, बिल्कुल चौक में आप देख सकते हैं, सामने गेट है इतना बड़ा, गेट के अंदर आते ही राइट साइड में स्टॉल है, इसलिए मोमो जरूर ट्राई करना अगर कोई आपके मुँह से आ रहा है, उसके मोमोज बड़े ही ज़बरदस्त हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट मार के जाएंगे गुरुद्वारा साइड में। तो दर्शन करके हम निकल चुके, तो ये वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, बाकी सब तो ठीक है। इस गली में से एक निकलने का मुझे जो बड़ी मुश्किल हो रही है, दैट इज़ बिना खाए पिए निकलना पड़ेगा, जो आज तक मैंने कभी नहीं किया, तो वो बनना उसका टफेस्ट सीन है मेरे लिए ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि दोनों साइड में खाने पीने की चीज़ें हैं, एक साइड मोमो, एक साइड कुछ, एक साइड चाप है, एक साइड चाट वाले हैं, बथेरे इतनी वैरायटी लगी है कि बंदा अवॉइड ही नहीं कर सकता, बट क्या करें, गला खराब है, एक दिन का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ नहीं खा सकते, मोमो चाम कितना कुछ है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने रूम की तरफ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अभी हमने मम्मियों ने जूस पिया, तो लेफ्ट साइड में ये ढाबा है तालिबान का, वैष्णो ढाबा, दो ढाबे हैं, तो इनका खाने की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती रहती है। आज सोचा था डिनर यहाँ पे करेंगे, बट मम्मी कह रहे हैं लंगर ही खाएंगे, तो फिर आज हम वापस जा रहे हैं। इनको 24 घंटे रश रहता है यहाँ पे, रश रहता है, रोटियाँ पटापट लगती रहती है। थोड़ा थोड़ा गए हैं हम थक, सो बाहर से अंदर आते थे वापस लगी मेरे को भूख, तो अभी वापस जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, टॉप फ्लोर पे लंगर खाएंगे, फिर नीचे गाड़ी से पानी की बोतल निकालनी है, और फिर सीधा रूम के अंदर गरम सो जाएंगे। चलिए लंगर दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पे आ गया मेरा लंगर, इसमें है प्रसादा, कद्दू और काले चने,
तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। तो ये इससे स्वाद तो कुछ नहीं है दुनिया में खाने की चीज़ों में, जहाँ पे लंगर है तो उसके आगे सब कुछ एंड है। सो एक चीज़ और आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो यहाँ पे लंगर में हमें चटनी भी मिली है, चावल हैं कि नहीं वो बिल्कुल नहीं पता, बट इस वीडियो को इसी नोट पर एंड करते हैं। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने सारे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं पहले शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो। अगली जल्दी से नेक्स्ट वीडियो को जल्दी आपको मिलता हूँ।